एक छोटी सी कहानी, गुस्से और प्यार की सीमा। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके उसे चमका रहा था। तभी कार पर उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कुछ लिखने लगी। पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी के हाथ में जोर से डंडा मार दिया, जिस वजह से बच्चे की उंगली टूट गई। हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब तक ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता, वापस जाता है और वह कार पर जोर जोर से मार कर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसके नज़र उस खरोंच पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने लगाया था और जिस पर लिखा था, डैड आई लव यू। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, टूटी हुई चीज़ फिर से जुड़ सकती है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते को कभी जोड़ा नहीं जा सकता है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी और इसमें आपको हृदय को छुआ है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब या फॉलो करें।